मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आर डी राय, प्रोफेसर अनिल कुमार, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक आशीष त्रिपाठी सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित करके किया गया, जिसके पश्चात छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। व्याख्यान को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद जीवन संघर्ष और उनके साहित्य पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणा लेने की बात कही। बहुत सुखद संयोग होता है हर समय हर साल कि हमारे नए सत्र की शुरुआत प्रेमचंद की जयंती से होती है। और गोरखपुर में प्रेमचंद का खास महत्व है। मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि प्रेमचंद के निर्माण में गोरखपुर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रेमचंद 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार गोरखपुर आए थे, जब उनके पिताजी मुंशी अजायब लाल जी गोरखपुर में डाक मुंशी होकर आए थे, स्थानांतरित होकर 1892 में। यह प्रेमचंद के किशोर मन के साहित्यिक निर्माण का समय है, जिसका जिक्र प्रेमचंद ने किया है। और उन्होंने अपनी पढ़ाई की जो चर्चा की है कि वो मिशन स्कूल में 8वें दर्जे में पढ़ते थे और उस समय गोरखपुर में ही उनको उर्दू उपन्यासों के पढ़ने का पूरा, प्रेमचंद ने उन्माद शब्द का इस्तेमाल किया है कि मुझे उन्माद था और रेती पर किन्हीं बुद्धिलाल जी की दुकान थी, जिसका जिक्र प्रेमचंद ने किया है कि वहाँ वो बैठकर उनकी दुकान के उपन्यास पढ़ा करते थे। बाद में उनको लगा, 13 साल के बच्चे के भीतर यह बोध पैदा हुआ कि मैं ऐसे कैसे बैठकर किताब पढ़ सकता हूँ। तो प्रेमचंद ने लिखा है कि वे अंग्रेजी किताबों की कुंजी और नोट्स जो उस दुकान में बिकते थे विद्यार्थियों के लिए, उन्हें उस दुकान से ले आकर अपने क्लास के बच्चों के बीच में बेचते थे। और इस हक से फिर उस दुकान से किताबें ले आकर पढ़ते और उस समय तक उपलब्ध उर्दू के सभी उपन्यासों पर प्रेमचंद के निर्माण का समय। और यह गोरखपुर में प्रेमचंद का जो दूसरा निर्माण हुआ, जब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी और पूर्णकालिक लेखक हुए थे, वह घटना भी गोरखपुर की। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी गोरखपुर आए थे। अमृत राय ने कलम का सिपाही में लिखा है कि गांधी जी की उस सभा में लगभग 2 लाख की भीड़ थी। 1921 में आज अपनी सभा में भीड़ पर कराने वाले लोगों को इस आंकड़े पर विचार करना चाहिए कि 1921 में सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले, असहयोग आंदोलन की घोषणा करने वाले महात्मा गांधी की सभा में गोरखपुर की 2 लाख की भीड़ थी। उसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ गए थे। गांधी जी का व्याख्यान सुना था उन्होंने और घर आकर
शिवरानी देवी से परामर्श किया था कि तुम कहो तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूँ, और उन्होंने कहा कि छोड़ देना बेहतर रहेगा। और प्रेमचंद ने 15 फरवरी 1921 को अपनी नौकरी से राजपत्र किसी को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन लोग अखबार की सूचनाओं से या एक दूसरे से जो उन्हें सूचना मिली है उस सूचना से चल करके और वहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। जिस दौर में लगातार हमारे कुछ बड़े नायकों पर, बड़े महापुरुषों पर बहुत सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं और उनकी ऐसी कुतर्कपूर्ण व्याख्याएं की जा रही हैं उनके व्यक्तित्व और उनकी भूमिका को लेकर, उनके जीवन को लेकर, जिससे वो लगातार जनता के बीच जो उनका आदर और सम्मान है वो आदर और सम्मान खत्म हो, वो अपदस्त हों और देश की स्मृतियों से बाहर चले जाएँ, इसलिए ऐसे जो आयोजन होते हैं वो इस तरह की कोशिशों के विरुद्ध एक प्रतिवाद की तरह खड़े होते हैं। और हिंदी विभाग अगर ये आयोजन कर रहा है और हिंदी विभाग में ऐसे लोग केवल एक बहुत संक्षिप्त सूचना के आधार पर स्वयं चल करके और यहाँ तक पहुँचते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश अपनी ओर से कर रहे हैं, तो ये प्रमाणित होता है कि वास्तव में प्रेमचंद जैसे लेखक जनता के नायक हैं और जनता के ऐसे नायकों के लिए सत्ता और व्यवस्था के किसी भी सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जनता स्वयं अपने नायक ऐसे लोगों को चुन लेती है और ऐसे लोगों को स्मरण करती है। प्रेमचंद के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम से निश्चित तौर पर यह एक संदेश निकलता है और इस संदेश के अपने क्रांतिकारी भाष्य तक भी हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए और इससे अनुप्राणित होना चाहिए, इससे अर्थ ग्रहण करना चाहिए। दो भाषाओं के शीर्ष लेखक, उर्दू के भी किसी से पूछिए अपना सबसे बड़ा लेखक को प्रेमचंद को बताएगा और हिंदी के प्रेमचंद की कृतियों का सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है, जैसा चित्रंजन जी ने कहा तुलसीदास के बाद सबसे ज़्यादा अनुवाद विभिन्न भाषाओं में प्रेमचंद का हुआ। मैं 3-4 वर्ष पहले जापान गया था तो वहाँ टोक्यो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैंने प्रेमचंद के गोदान का पहला संस्करण जो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई से छपा था उसकी प्रति देखी, जिससे बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा भी छपी। वहाँ प्रेमचंद ने जो 4 अखबारों के संपादन किए थे, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस, उन चारों की फाइलें रखी हुई थी। जागरण की फाइल में मैंने वह कहानी भी पढ़ी, कहानी भी देखी नोट के साथ, जो जैनेन्द्र कुमार के नोट के साथ छपी हुई है, प्रेमचंद ने जिसको छापा है, जिससे सच्चिदानंद वात्स्यायन का नाम अज्ञेय पड़ गया। वो कहानी जैनेन्द्र कुमार को उन्होंने भेजी थी, जैनेन्द्र जी ने प्रेमचंद को भेजी थी, प्रेमचंद ने पूछा इसका लेखक कौन है, तो उस समय लेखक जेल में था, अज्ञे जी जेल में थे, तो जैनेन्द्र जी ने कहा कि ऐसे ही छाप दीजिए किसी नाम से, अज्ञे नाम से छाप, उन लोगों ने रखी। और हिंदी भाषा की किसी कृति का जो पहला अनुवाद जापानी में हुआ है वो कफन कहाँ है, ये ध्यान देने की बात है उन लोगों के चुनाव पर और उस पर। उसके पहले हिंदी का कोई अनुवाद जापानी में नहीं हुआ और दुनिया की सारी भाषाओं में प्रेमचंद के अनुवाद हुए हैं, इससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता नहीं होती, प्रेरणा नहीं होती और मजमून भी मुश्किल से उपलब्ध होती है, यानी उनको करेंट अफेयर्स से लगाव बहुत है। और अमृत राय ने उनके उपन्यास कायाकल्प की पांडुलिपि का फोटो छापा है,
अपने उसमें, तो कायाकल्प में वो बताते हैं कि कौन क्या होगा, यानी अपने समय के लोग और घटनाओं को किस पात्र में वो डालेंगे, वो उसका उल्लेख करते हैं, नोट्स जो बनाते हैं उपन्यास लिखने के पहले कि फला चरित्र फला जैसा होगा, फला फला जैसा होगा। आपको याद होगा कि उनकी एक कहानी थी मोटेराम शास्त्री, 1928 में माधुरी में छपी थी, उस पर मुकदमा हो गया। एक आदमी ने कहा कि इन्होंने ये कहानी मेरे बारे में, और वो मुकदमा काफ़ी चला, उसमें प्रेमचंद ने किसी तरह से समझौता किया, नहीं तो इनकी सजा हो जाएगी। वो सचमुच मोटेराम शास्त्री को उन्होंने उस कहानी में चित्रित कर दिया। तो प्रेमचंद जो हैं वास्तविकता के साथ बहुत बंधे हुए हैं, तमाम लोगों को पत्र उन्होंने लिखे हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी को, इंद्रनाथ मदान को, ये बताते हुए कि मैं किस तरह वास्तविक से अपने को जोड़े रखता हूँ।